तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ जो गुड न्यूज़ अगर आप सुनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो टीवी चैनल्स देखते हैं वो इन फ्यूचर आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे, वो भी 200 से अधिक चैनल आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सरकार का नया प्लान ये है कि आपको सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जितने भी टीवीज वगैरह आएंगे उनके अंदर इन बिल्ट सेट टॉप बॉक्स रहेगा, यानी कि अब आपका जो फालतू में खर्चा होता था सेट टॉप बॉक्स के ऊपर और चैनल्स के ऊपर वो सारे पैसे आपके बचने वाले। जो टीवीज आएंगी उन टीवीज के अंदर दोस्तों आपको इन बिल्ट सेट टॉप बॉक्स यानी कि सैटेलाइट ट्यूनर मिलेगा। सैटेलाइट ट्यूनर दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा आपको टीवी के अंदर, आपको इसके लिए अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, ना ही किसी तरीके का इसके अंदर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। और इसके अंदर 200 से भी अधिक ज़्यादा चैनल आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये सरकार की तरफ से है। आपको जानकारी देने के लिए बता दूं दोस्तों कि सरकार एक नया प्लान बना रही है जिसमें कंज्यूमर को सेट टॉप बॉक्स से बिल्कुल मुक्त करने वाली चीज़ें होने वाली है, जैसे कि सेट टॉप बॉक्स नहीं रहेगा। जैसे कि दोस्तों आज के टाइम में फ्री डिश चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इन सभी के अंदर हमें सेट टॉप बॉक्स लगवाना पड़ता है, और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद हमें सेट टॉप बॉक्स पे जो खर्चा करना पड़ता है उस खर्चे से हमें बिल्कुल आज़ादी मिल जाएगी। और इसके बाद दोस्तों अगर आप कोई स्मार्ट टीवी लेते हैं और उस स्मार्ट टीवी में आपको इनबिल्ट सेट टॉप बॉक्स मिलेगा, यानी कि सैटेलाइट ट्यूनर। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों इन्फॉर्मेंस एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अब ये प्लान बनाया है कि अब जितने भी टीवी मार्केट में आएंगे उन सभी के अंदर सैटेलाइट ट्यूनर लगाया जाएगा, यानी कि सैटेलाइट ट्यूनर लगाने के बाद दोस्तों किसी सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता नहीं होगी। और इस ट्यूनर की मदद से आप 200 से भी अधिक सरकारी चैनल, यानी कि जिसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ऐसे चैनल्स को देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि सैमसंग और एयरटेल कंपनी ने पहले भी ऐसी टीवी को लॉन्च किया था जिसके अंदर आपको सेट टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं थी। पहले भी ऐसी टीवी बनाई है जिसके अंदर आपको सेट टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं होती है। उस टीवी को चलाने के लिए सिंपल आपको अपने एंटीने का सहारा लेना होता है, यानी कि एयरटेल या डीटीएच के एंटीने के तार को आप अपने टीवी में प्लग कर देते हैं, आपको वहां पर टीवी चैनल्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों उन चैनल्स के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। दोस्तों हम बात करते हैं इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर की, तो इसके अंदर दोस्तों आपको कुछ इसी तरीके से करना होगा जैसे कि आपको उसके लिए अपने छत के ऊपर एंटीना लगवाना होगा। पुराने जमाने में जैसा देख सकते थे, आने वाले टाइम में भी आपको सैटेलाइट ट्यूनर को चलाने के लिए एक एंटीने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अगर आपके छत पर एंटीना नहीं होगा सैटेलाइट ट्यूनर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सैटेलाइट ट्यूनर को चलाने के लिए आपको एंटीने का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं अच्छाइयों के साथ साथ तो कुछ बुराइयां भी होती है, तो बुराइयों की बात मैं करता हूं, यानी नेगेटिविटी क्या हो सकती है इन सभी चीजों में। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं और आप कमेंट करके भी बताइएगा क्या जो मैं कह रहा हूं ये हो सकता है, या जो सवाल मैं अभी आपसे पूछूंगा उसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर सैटेलाइट ट्यूनर लगवा लिया जाए, सैटेलाइट ट्यूनर लगवाने के बाद क्या आपको प्राइवेट चैनल भी उसके अंदर देखने को मिलेंगे? तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या प्राइवेट चैनल भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि जी सिनेमा हो गया, कलर्स हो गया, ऐसे जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं क्या वो हमें देखने को मिलेंगे उसके अंदर। तो गाइस इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। और दोस्तों मैंने अपना दूसरे चैनल का लिंक भी यहाँ दे रखा है, यहाँ पर मैं आपको फ़ोन से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, तो जाके वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए मुझे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।